अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में वाकई में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आप चाहे किसी भी बिजनेस में काम कर रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, वो आपका पर्सनल हो सकता है, आप उसमें करते रहिए, लेकिन उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा अपने जीवन का एक आध घंटा पर डे निकाल के, और आप हमारे बिजनेस को देखिए, हमारे बिजनेस में काम करिए, जिस बिजनेस का नाम है VGF क्लब इंटरनेशनल। ये एक पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक पूरी तरह डिजिटलाइजेशन को आपके जीवन में पूरी तरह घुल मिल जाने वाला एक ऐसा प्लान है, जो अगर आपके हैबिट में, और ये आपके हैबिट में जिस दिन आ गया, आपके दिमाग में जिस दिन इंस्टॉल हो गया, उस दिन विश्वास मानिए आपका नेटवर्क का जीवन सफल हो जाएगा, आपका नेटवर्क का पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा, आपके पूरे जीवन में उतना पैसा आपके पास आ जाएगा जितने पैसे की आपने कभी कल्पना नहीं की थी, आपको वो हर चीजें वो मिल सकती है जो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं काम करने के लिए, चाहे वो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही क्यों ना काम कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजीव जायसवाल। ये वीडियो है उन लीडर्स के लिए जो अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करें या किसी भी कंपनी में काम करें, कोई भी कंपनी आपको पैसा तब देती है जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं और वो नेटवर्क वॉल्यूम जनरेट करता है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं और आप एक नेटवर्क बनाते हैं और वो नेटवर्क आपका वॉल्यूम जनरेट करता है, तो आप ये सोचें कि आप जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है आपके नेटवर्क के द्वारा, वो नेटवर्क वॉल्यूम जनरेट करने के लिए कितना आपका एफर्ट ले रहा है, कितनी आपकी एनर्जी ले रहा है, आप क्या कर रहे हैं उस नेटवर्क को, उस नेटवर्क से वॉल्यूम जनरेट कराने के लिए। जरा सोचिए कि आप अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमेशा कहती है कि हम प्रोडक्ट जब बिकेगा, प्रोडक्ट का टर्नओवर होगा, एक नेटवर्क बनेगा, वो नेटवर्क हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा, रिपर्चेज होगा, तब हम आपका वॉल्यूम जनरेट करेंगे और फिर आपको हम पैसे देंगे, फिर आपके जो स्लैब बनेगा या जो भी उसके प्लान होंगे उसके अनुसार आपको पैसा जाएगा। लेकिन जरा मेरे भाई, जरा सोच के देखिए कि अगर आप इसके डिटेल में जाएं तो एक ही काम होता है कि आप नेटवर्क बनाते हो, वो नेटवर्क रिपर्चेज करता है, प्रोडक्ट खरीदता है और आपको पैसा आता है। अगर आप चाहते हो कि आजीवन पैसा आए, तो आपको एक ऐसा नेटवर्क बनाना पड़ेगा जो नेटवर्क आजीवन प्रोडक्ट यूज करे और आजीवन उस प्रोडक्ट से वॉल्यूम जनरेट हो और आजीवन आपको पैसे आए। लेकिन जरा सोच के देखिए कि ये कहने में तो बड़ा आसान दिखता है, लेकिन क्या ये ऐसा होता हुआ दिखता है क्या? साथियों, आज आप अगर नेटवर्क बना रहे हैं और अगर किसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं कि आप हमारे इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो, तो आप लोहे का चना चबा रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लोहे का चना चबा रहे हो, आप उस सिंडिकेट से लड़ने जा रहे हो जो सिंडिकेट गांव गांव घर घर में अपनी पैठ बना चुका है, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस का, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सिंडिकेट। ये एक प्रकार का सिंडिकेट है जिसमें मीडिया से लेके, पॉलिटिक्स से लेके और आपका समाज तक हर चीज इसमें इन्वॉल्व है। अगर इस सिंडिकेट से आप लड़ने जा रहे हो, तो माफ करना, मैंने इस लड़ाई को लड़ा है 2003 से लेके और 2009 तक मैंने देखा है कि सिंडिकेट से लड़ना कितना मुश्किल होता है, और मुश्किल ही नहीं होता बल्कि नामुमकिन होता है। अब देखिए कैसे, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका नेटवर्क का एक बंदा है, उसको जरूरत पड़ी अभी शैम्पू की, ठीक है, आपकी कंपनी शैम्पू बनाती है, लेकिन उस शैम्पू को लेने के लिए अभी उसको जरूरत पड़ी और उस शैम्पू को लेने के लिए उसको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, आपका जो पिकअप पॉइंट होता है, पिकअप सेंटर होता है, आपका शॉपी होता है या जो भी होता है, वहां जाना पड़ता है। जरा सोच के देखिए, क्या वो शैम्पू लेगा? क्या वो 5 किलोमीटर जाएगा? वो कहेगा कि बेटा ये ले पैसे और जा बगल के किराने के लाले की दुकान से, तू एक शैम्पू लेके आ जा। यानी वो प्रोडक्ट केवल इसलिए खरीद रहा है आपका क्योंकि एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक ज्वाइनिंग में उसको प्रोडक्ट मिल गया, बस इसलिए, या कभी उस राह से गुजर गया इसलिए उसने खरीद लिया।
उसके हैबिट में वो प्रोडक्ट नहीं आएगा, कभी जिंदगी में उसके हैबिट में नहीं आएगा, क्योंकि हैबिट में उसका ट्रेडिशनल मार्केटिंग के प्रोडक्ट आ चुके हैं। वो प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट उसके हैबिट में आ चुका है जो प्रोडक्ट उसके उसके गांव के, उसके घर के, उसके उसके परिवार के बगल में मिल रहा है, वो प्रोडक्ट वो उसको खरीदेगा। तो अब सोचिए कि अब जब इस तरह की हैबिट्स लोगों में बिल्ड हो चुकी है और उस हैबिट को आप बदल के और आप अपने प्रोडक्ट की हैबिट लगाना चाहते हो, तो सर माफ करिएगा, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हो रही कि आपका पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन आप पैसिव इनकम कभी परमानेंट रॉयल्टी इनकम नहीं ले पाएंगे, ये मुझे कहते हुए बिल्कुल आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैंने इस चीज को देखा है और मैंने इस चीज को झेला है। अब रही बात कि एक लीडर, जो लीडर होता है वो क्या सोचता है कि चलो हमारा वॉल्यूम जनरेट कराना है तो चाहे जैसे भी कराओ, अब लीडर है तो वो जैसे भी वॉल्यूम जनरेट कराता है, तो वो क्या करता है, एक अनजान व्यक्ति के पास प्रोडक्ट को डंप करा देता है, प्रोडक्ट की डंपिंग करा देता है। किसी एक अनजान व्यक्ति को क्या करता है कि अपना वॉल्यूम जनरेट करने के चक्कर में उसको वो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 रुपए का प्रोडक्ट वो डंप करा देता है, खरीदवा के उसके यहाँ रखवा देता है और उसकी वॉल्यूम वो जनरेट करा के उस महीने तो ले लेता है, लेकिन अगले महीने फिर किसी नए व्यक्ति को खोजना शुरू करता है कि अब किसको डंपिंग कराए। तो ये चीज जो शॉर्ट टाइम में जो पैसा वॉल्यूम जनरेट कराते हैं और पैसे कमाते हैं, इस कारण अच्छे अच्छे लोग भी इस इंडस्ट्री से जब उनका नुकसान होता है, जब वो चाहे प्रोडक्ट खरीद के नुकसान हो या पैसे का नुकसान हो, जब इस इंडस्ट्री से नुकसान होता है तो वो व्यक्ति हमारे इंडस्ट्री से नेगेटिव होता है, वो बाहर जाता है। और जब बाहर जाता है तो ना केवल ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एक व्यक्ति हमारे इंडस्ट्री से बाहर चला जाता है, बल्कि वो बाहर जाने के बाद बहुत ऐसे लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं जो जिंदगी में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, उनको भी वो इस इंडस्ट्री में आने से रोक देता है अपना पुराना अनुभव बता के, जो कि आज के लीडरों की वजह से उसका अनुभव बुरा हुआ है और उसकी वजह से वो एक नए आदमी को आने से इंडस्ट्री में रोक देता है। और हम जैसे अच्छे लोग जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं कि इसमें लोग अपनी जिंदगी बना सकते हैं, वो संघर्ष करना शुरू कर देते हैं उनकी वजह से, क्योंकि वो मार्केट में नेगेटिव फैलाते हैं और हम मार्केट में पॉजिटिव फैलाते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि नेगेटिव बातें लोगों को ज्यादा समझ में आती है और पॉजिटिव बातें लोगों को कम समझ में आती है। इसलिए साथियों, अगर थी आपको वो हर चीजें वो मिल सकती है जो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं काम करने के लिए, चाहे वो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही क्यों ना काम कर रहे हो। साथियों, मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस बिजनेस को एक बार जरूर ध्यान से देखें, एक बार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर देखें और समझें कि हमारा प्लान क्या कहता है, हमारा प्लान क्या कर सकता है और आप हमारे प्लान में कैसे फिट बैठ सकते हैं। आइए मिलके हम नेटवर्क जीवन को अच्छा बनाएं, मिलके हम सफलता पाएं, हम आपके साथ हैं, पूरा सिस्टम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, आप इस बिजनेस को जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको जिसने भी भेजा उसके साथ बैठिए और बैठ के इस बिजनेस पे एक बार डिस्कस